तो दोस्तों आप सभी को पप्पू दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले थैंक्स टू नेहरू, जहाँ नेहरू जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्हीं की वजह से आज हम पप्पू दिवस मना पा रहे हैं। उन्होंने ही गांधी फैमिली का बम देश में फाड़ा था और उसी की वजह से, उसी इंटेलिजेंस की वजह से हम पप्पू दिवस मना पा रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, आप खुद ही देख लीजिए। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। तो दोस्तों जो जोक्स, जो झूठ पड़ताल हम 1 अप्रैल को करते हैं, कुछ ऐसे ही जोक्स ये महाशय हमें पूरे साल भर सुनाते हैं। जैसे कि लुक एट द वर्ल्ड नॉट फ्रॉम योर पोजीशन बट लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम योर पोजीशन, राइट? एकदम दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। अगर आज आइंस्टीन जिंदा होते तो फिर से मर गए होते, क्योंकि भाई बात ही इतनी गहरी है, समझने के लिए दिमाग फट सकता है। और बहुत सारी ऐसी कुछ बातें बोली गई हैं, कुछ और देख लीजिए। अब इमोशनल बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कहना चाहता हूं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। अच्छा लगा तो बजा दीजिए भाई, थोड़ा सा बजा दीजिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए। और ज्यादा अच्छा लगा हो तो धड़ाधड़, ये देखो ऐसे बजाइए ना, आराम से क्यों बजा रहे हैं। जहाँ कुछ ऐसे महाशय बड़े जाने पहचाने हैं, राहुल जी के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं के याद में, या मैं बोलूँ इन्हीं की इंटेलिजेंस की प्रशंसा में पप्पू दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे जुमले, बहुत सारे झूठ पड़ताल ये साल भर हमें सुनाते रहते हैं। आपने भी बहुत सारे सुने होंगे, हमने भी बहुत सारे सुने हैं। पता नहीं ये क्या बोल जाए, कोई नहीं जानता। कौन सा कॉमेडी शो किस दिन चलेगा, कोई पता नहीं है। आपको कुछ भी सुनने को मिल सकता है। तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल जोक्स जो इन्होंने हमें साल भर सुनाए हैं झूठ, उन पर कुछ नज़र डाल लेते हैं। जो सबसे बड़ा मुझे लगता है झूठ जो पूरे साल भर बोला गया, वो है राफेल स्कैम है। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया, 520 करोड़ रुपए, 526 रुपए का एक हवाई जहाज। जी हाँ, कभी राफेल को ये 540 करोड़ का कर देते हैं, कभी 520 करोड़ का। और हद तो तब होगी जिन्होंने राफेल को 526 रुपए का बता दिया। जी हाँ, 526 रुपए में राफेल मिल रहा है। 10-15 का ऑर्डर तो मैं भी दे दूंगा अगर ऐसा हो रहा है। लेकिन और बहुत सारी बातें जो इन्होंने साल भर बोली हैं, जैसे कि मेड इन मुरादनगर, मेड इन मंदसौर, मेड इन धार, मेड इन मणिपुर, वैसे मेड इन तेलंगाना का जो मेड इन मुंबई हम मिटा के मेड इन भोपाल करेंगे, मेड इन राजस्थान, मेड इन डूंगरपुर। जी हाँ, ये जिस भी सिटी में जाते हैं उस सिटी में जाके अपना मोबाइल फोन बना देते हैं। जी हाँ, मेड इन मंदसौर, मेड इन भोपाल, मेड इन मुरादाबाद, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे मेड इन लगा के एक नई फैक्ट्री शुरू कर देते हैं। ऐसे विजनरी हैं हमारी ये महाशय, बहुत ही हार्ड लेवल। और जोक सुनने आपको तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के हालात देख लीजिए। इलेक्शन से पहले बोला गया था कर्ज माफ़ी हो जाएगी, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले बोला था हर बेरोजगार व्यक्ति, जो यंग टैलेंट है, उसको 10,000 रुपये महीना दिए जाएंगे। इलेक्शन के बाद पुश्ती बम हो गया, कुछ नहीं हुआ। आजकल क्या क्या हो रहा है, लोगों को गायें चराने, बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हाँ, यही है हमारा पप्पू दिवस का सबसे बड़ा एजेंडा, कि साल भर जोक सुनाते हैं ये। जैसे अभी हाल ही में इन्होंने एक और जोक सुनाया है, 72,000 रुपये मिलेंगे आपको। अब वो महीने के मिलेंगे, साल के मिलेंगे, ये खुद भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार बोला 72,000 रुपये साल मिलेंगे, फिर बोला 72,000 रुपये महीना मिलेंगे, और हद तो तब हो गई जब इन्होंने बोला 72,000 करोड़ रुपये देंगे हम आपको। सबसे गरीब 20% परिवारों को साल के 72,000 रुपये कांग्रेस पार्टी दे सकती है। हर महीने 72,000 कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में डालकर, मतलब ये सुनने के बाद तो मुझे लगा चलिए नौकरी तो छोड़ ही देते हैं, हम कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 72,000 करोड़ अगर मिल रहा हो तो कोई क्यों मेहनत करेगा भाई, घर बैठ जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, 72,000 रुपये आपको मिल रहे हैं और इनके हिसाब से 526 रुपये का राफेल भी मिल रहा है। मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ राफेल खरीद लीजिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। लगभग 130-140 राफेल आ जाएंगे 72,000 रुपये में। पाकिस्तान की बैंड भी बजा सकते हैं आप उनसे और अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, है ना राहुल गांधी विजनरी आदमी, देखो कहाँ तक सोच रहे हैं। खैर ये वही लोग हैं जो पिछले 50 साल से नारा देते हुए आ रहे हैं गरीबी हटाओ। इनके परदादा दादा दादी अम्मा पिताजी इन्होंने सब ने यही नारा दिया है गरीबी हटाओ, लेकिन इनसे गरीबी नहीं हटी। अभी हाल ही में 25,000 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला रहे थे। जी हाँ, जुमला नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इन्होंने खुद बोला है। पिछली बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला, इस बार 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे देश की जनसंख्या 125-130 करोड़ के आसपास है और यहाँ पे ये महाशय 25,000 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल रहे हैं। बहुत ही क्रांतिकारी हैं ये, बहुत ही क्रांतिकारी। और वैसे दोस्तों, इन लोगों का खुद का कहना है कि जो गरीबी होती है वो स्टेट ऑफ माइंड होती है, गरीबी कुछ होती नहीं है। जब गरीबी कुछ होती नहीं है तो 25,000 करोड़ लोग आएंगे कहाँ से, जिन्हें राहुल जी गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे? यही तो स्कैम है जी। खैर दोस्तों, बात ऐसी है, अगर इंसान समझदार हो ना तो चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, नहीं तो प्रधानमंत्री के घर पैदा होने के बाद 3-3 जातियों का DNA मिक्सचर होने के बाद भी पप्पू बन सकता है। तो दोस्तों, जब तक हमारे पास अंबानी का डेटा है और सोनिया जी का बेटा है, 3 चीज़ें हमेशा रहेंगी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। आज के सुविचार के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। Nobody can fool you if you already a fool. Jai Hind, Jai Bharat.